के लिए बड़ा ही ईगरली वेट कर रहे हैं ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि हो सकता है कि मेरे फेलो टीचर्स भी आंसर की के लिए वेट कर रहे हों ताकि वो देख सकें कि करेक्ट आंसर क्या है आज के क्वेश्चन पेपर के तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं आंसर की ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन 2020-21 क्लास 9th इंग्लिश तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टेली करते हैं कि जो आंसर्स हैं आज के एग्जाम के वो क्या हैं तो देखिए बेटा सबसे पहले आप देखिए सेक्शन ए सेक्शन ए जो कि आपका अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड था और इसमें आपको तीन पैसेजेस पूछे हुए थे और तीन पैसेजेस में से आपको किन्हीं भी दो के आंसर्स अटेम्प्ट करने थे दो पैसेजेस सॉल्व करने थे तो यहाँ मैंने तीनों ही पैसेजेस के आंसर्स आपको प्रोवाइड किए हैं आप यहां से देख सकते हैं टेली कर सकते हैं अपने आंसर्स को जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये इसका ए पार्ट बी पार्ट और सी पार्ट तीनों ही मैंने यहाँ पर आपके लिए सॉल्व किए हैं ए पार्ट में जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन इंसेक्ट्स इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन सी ऑप्शन दे यूज देर विंग्स थर्ड क्वेश्चन सी ऑप्शन सिक्स और फोर्थ क्वेश्चन बी ऑप्शन टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज फिफ्थ क्वेश्चन डी ऑप्शन इज करेक्ट बोथ ए एंड बी सिमिलरली जो आपका सेकेंड uh, जो आपका पैसेज है उसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन ए ऑन द डल लेक सेकेंड क्वेश्चन ऑप्शन बी डिजाइन ऑफ अ बोटमैन रोइंग अ शिकारा ऑन द डल लेक थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन ए चीफ पोस्ट मास्टर फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन ए फ्लड्स और फिफ्थ क्वेश्चन ऑप्शन डी 2014 सी जो पैसे उसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन देर इज अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल टू अस सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन सी करप्ट आर लाइव स्पेसिस्टिंग इवेंट्स थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन डी क्लासिक्स फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन डी अगेन ऑल ऑफ द अबव और फिफ्थ क्वेश्चन ऑप्शन बी इनोब्लिंग इन्फ्लुएंस तो देखिए बेटा ये आपके तीनों पैसेजेस आपके स्क्रीनस पर हैं उनके आंसर्स और इनमें से आपको कोई भी दो सॉल्व करके आने थे अब देख लेते हैं सेक्शन बी सेक्शन बी में जैसे कि मैंने आपको सैंपल पेपर में बताया था आपसे एप्लीकेशन लेटर नोटिस पैराग्राफ रिपोर्ट इनमें से क्वेश्चंस इन पूछे जाएंगे एंड वही क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे तो इसकी जो आंसर की है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड नहीं की है क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस uh, हैं, ये मैंने लगभग अपनी जो भी राइटिंग स्किल्स पर एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं, उनमें कवर अप कर रखे हैं तो आप वहाँ से भी इन आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और ये मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिया है डू योर सेल्फ तो यहाँ पर मैं आपको केवल एमसी क्यू uh, जो बेस्ड uh, क्वेश्चन है उन्हीं के सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हूँ एंड इस तरह से चलते हैं सेक्शन सी पर ग्रामर पर फोर्थ क्वेश्चन ए जो इसका पार्ट था उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर था ए ऑप्शन इज करेक्ट शुड वी शुड रिस्पेक्ट आर एल्डर्स मॉडल्स पढ़ने थे इसमें आपने सेकेंड क्वेश्चन का मे गॉड ब्लेस यू डी ऑप्शन इज करेक्ट थर्ड क्वेश्चन का शी कैन स्विम वेरी वेल बी ऑप्शन इज करेक्ट दैट इज कैन बी पार्ट के आंसर्स देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी आर्टिकल दैट इज नो आर्टिकल राइट कि क्रिसमस फॉल्स ऑन ट्वेंटी फिफ्थ डिसेंबर राइट तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा इसी तरह से मोहन फादर इज एन इलेक्ट्रिशियन ऑप्शन बी इज करेक्ट थर्ड क्वेश्चन मिल कोस्ट फिफ्टी रूपीज अ लीटर ऑप्शन ए इज करेक्ट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको कंजंक्शन भरनी थी राइट करेक्ट कंजंक्शन से फिलंता ब्लैंक को भरना था आई वॉज इल सो आई डिडेंट गो टू वर्क ऑप्शन ए इज करेक्ट सेकंड क्वेश्चन मोहन इज एन ओबिडियंट सन एंड अ लविंग ब्रदर ऑप्शन बी इज करेक्ट फिर है आपका थर्ड क्वेश्चन ही इज रिच बट माइजर ऑप्शन ए इज करेक्ट नाउ कम टू डी पार्ट इसमें आपको इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है सेंटेंसेस को तो फर्स्ट सेंटेंस आपको गिवन था आई सेट टू द चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आई फोरबेट द चिल्ड्रन टू मेक अ नॉइज सेकेंड क्वेश्चन द टीचर सेट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी द टीचर सेट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये जनरल फैक्ट है जनरल ट्रूथ है नेक्स्ट क्वेश्चन शी सेज आई एम इल इन डायरेक्ट स्पीच शी सेज दैट शी इज इल ऑप्शन डी इज करेक्ट शी सेज क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब आपकी तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा केवल प्रोनाउन के हिसाब से चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ई e पार्ट आपको इसमें करेक्ट पंक्टेशन मार्क्स फिट करने हैं तो यहां पर देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन डी चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा किस तरह से लिखेंगे इट्स ऑन योर स्क्रीन फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन सी आर द एपल्स स्वीट फिर ऑप्शन बी अ बनाना एंड एप्पल अ पपाया एंड अ मैंगो राइट अब इस तरह से एफ जो पार्ट है उसमें टेंसेज आपने भरने हैं ऑप्शन बी गोज इज करेक्ट क्योंकि माई मदर गोज टू टेम्पल डेली ही सॉ अ फिल्म लास्ट वीक और वी वर वॉचिंग टीवी वेन इट स्टार्टेड टू रेन से क्वेश्चन लिए हुए में से, के में से तीन पैसेज़ आपको थे और तीनों ही पैसेजेस पर पांच पांच क्वेश्चंस पूछे हुए थे और उन तीन पैसेजेस में आपको कोई भी दो पैसेज सोल्व करके आने थे मैंने यहाँ पर आपको तीनों ही पैसेजेस के आंसर प्रोवाइड करे हैं देखिए फिफ्थ क्वेश्चन ए पार्ट के आंसर देखिये पहले ऑप्शन ए इज करेक्ट द फन दे हैड मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ओके कौन से चैप्टर में से लिया गया है द फन दे हैड में से अब uh, सेकेंड का जो आंसर है वो है आपका कि नेम द ऑथर कौन है इसके ऑथर ऑप्शन बी इज करेक्ट आई जेक मूव थर्ड जो क्वेश्चन है ऑन विच डेट मार्गी मेड एन एंट्री इन हर डायरी ऑप्शन डी इज करेक्ट सेवनटींथ में टू थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन हु फाउंड द रियल बुक

For second question, when Albert learned to speak, he uttered everything twice. Okay, option B is correct, twice. Then come to third question, what toys did Albert like specifically as a child? He liked, option B is correct, mechanical toys. Then come to fourth question, what was the name of Albert's younger sister? Option C is correct here, Maza. Fifth question, what did Albert say looking at her newborn sister? Option B is correct, fine. But where are her wheels? Ye kaha tha, एल्बर्ट ने तो ये दो पैसेजेस हो गए आपके थर्ड पैसेज भी देख लेते हैं ये सी पैसेज है आपका इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन वही है नेम द चैप्टर एंड बेटा आपको याद होगा कि मैंने अभी कल ही अपने चैनल डी एस इंग्लिश पर एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने ये मेंशन किया था कि आप केवल दो मिनट लगाकर अपने छह नंबर पक्के कर सकते हो तो आप देखिए यहां पर तीन पैसेजेस हैं तीनों पैसेजेस में से पांच क्वेश्चन तो ये सीधे पूछे हुए हैं फिर उसके बाद पोएम में भी आपके दो पैसेज यानी कि सात नंबर का आपका जो सॉल्यूशन है वो मैंने किया था उस वीडियो में जब मैंने आपसे ये कहा था कि आप अपने सभी चैप्टर्स के नाम और उनके राइटर्स के नाम पोएम के नाम और पोएट के नाम याद कर लीजिए राइट तो ये वही चैप्टर्स हैं ये ये वही क्वेश्चंस उन पर बेस्ड द बॉन्ड ऑफ लव में से थर्ड पैसेज आप कर लिया गया था कैने थेंडरसन इज के राइटर हैं थर्ड क्वेश्चन है हु डज आई रेफर टू इन दीस लाइंस तो उसका आंसर है ऑथर हिमसेल्फ नेक्स्ट क्वेश्चन है दे पुट द बेबी स्लॉथ बेयर इन वन ऑफ द गनी बैग्स और लास्ट क्वेश्चन है द ऑथर प्रेजेंटेड द स्लॉथ बेयर टू हिज वाइफ तो आप देखिए इन सभी पैसेजेस के जो आंसर क्वेश्चन के जो आंसर है वो सभी पैसेजेस में से ढूंढ कर हमने लिखने थे नाउ कम टू द सिक्स क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन आपका पांच नंबर का ऐसे टाइप था बिहाइव की बुक में से एक क्वेश्चन लिया हुआ था लिटिल गर्ल में से और दूसरा लिया हुआ था पैकिंग में से जो क्वेश्चन बिहार में से लिया हुआ था केजिया टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिस हिम हाउ डिड दिस है लिटिल गर्ल तो केजिया ने जो एफर्ट्स किए थे अपने फादर को खुश करने के लिए उनका जो रिजल्ट आया वो हो गया कि जो फादर था वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया उससे खुश नहीं हुआ बल्कि दुगना गुस्सा हो गया तो किस तरह से क्या हुआ था वो आपको पता ही है कि केजिया के फादर का बर्थडे आने वाला था और उसकी ग्रैंड मदर ने सजेस्ट किया कि क्यों ना तुम अपने फादर को एक बर्थडे गिफ्ट दो जिसमें तुम पिन कुशन उनको दोगी तो केजिया ने क्या किया जो भी पेपर्स थे कुछ पेपर्स उसको मिले स्टफ करने के लिए पिन कुशन तो सिल दिया लेकिन उसके अंदर क्या डालना था कुछ स्टफिंग डालनी थी स्टफिंग के हिसाब से उसको कुछ कुछ पेपर्स मिले और उस पेपर्स को फाड़ के पिन कुशन के अंदर भर दिया ताकि वो कुशन तैयार हो सके और अपने फादर को वो प्रेजेंट कर सके एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में लेकिन फिर क्या हुआ कि जब उसके फादर उन पेपर्स को ढूंढने लगे तो उनको कागज कहीं भी नहीं मिले एंड फिर वो काफी ऑफेंड हो गए जब उन्हें ये पता चला कि केजिया ने तो उन पेपर्स को फाड़ कर पिन के अंदर डाल दिया है तो चाहती तो थी केजिया अपने फादर को खुश करना बर्थडे पे लेकिन हो गया इसका एकदम ऑपोजिट और फादर और भी ज्यादा नाराज हो गए केजिया से और उसकी पिटाई भी कर दी तो इस तरह से ये आंसर है फिर जो इसका सेकेंड ऑप्शन है दो में से कोई भी एक करना था आपने वो पैकिंग वाले चैप्टर में से लिया हुआ है पूछा है ऑफ द थ्री जिरोम जॉर्ज एंड हैरिस हु डू यू थिंक इज द बेस्ट और वर्स्ट पैकर सपोर्ट योर आंसर विद डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट तो आपको ये बताना है कि वे कौन जो है वो बेस्ट पैकर है और कौन इनमें से वर्स्ट पैकर है तो हमें पता ही है कि जो जिरोम है वो अपने को बेस्ट पैकर मानता है पैकर कौन है आप मेरी वीडियो को देखकर उसमें से जान सकते हैं अब मैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन कर रही हूं ये है आपके आंसर यानी फोर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अब ये सिक्स क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है उन सिक्स क्वेश्चन में से आपने केवल चार क्वेश्चन के आंसर लिखकर आने थे हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर दो दो नंबर का है चैप्टर के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं जिस चैप्टर में से ये क्वेश्चन लिए हुए हैं अब आ जाते हैं हम पार्ट बी पर दैट इज पोएट्री सेक्शन फ्रॉम बिहाइव क्वेश्चन नंबर एट जो है वो एक आपको दिया हुआ है बेटा द स्नेक ट्राइंग टू स्केप दर्सुइंग स्टिक तो कौन से पोयम से लाइंस ली हुई है पहला क्वेश्चन यही है इसके एमसीक्यूज में से एंड द आंसर इज ऑप्शन डी द स्नेक ट्राइंग सेकंड क्वेश्चन इज हु पोएट ऑफ द पोएम ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर डब्ल्यू डब्ल्यू रॉस थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वॉज द स्नेक ट्राइंग इन द पोयम तो स्नेक क्या कोशिश कर रहा है इट इज ट्राइंग टू एस्केप ऑप्शन डी इज करेक्ट फोर्थ क्वेश्चन व स्नेक ट्राइंग टू एस्केप एस्केप फ्रॉम फ्रॉम इन द द द स्नेक इज ट्राइंग टू स्केजुइंग स्टिक ऑप्शन ए इज करेक्ट फिफ्थ क्वेश्चन द पोएम रिवॉल्व अराउंड अ हार्मलेस स्नेक ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर नाउ कम टू द नाइन्थ क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन में आपको पोइट्री सेक्शन में से तीन क्वेश्चन पूछे हुए थे और इन तीन में से आपको किन्हीं भी दो के आंसर लिखने थे दोनों क्वेश्चन आपके तीन तीन नंबर के थे मैंनेशन की है नो मेन आर फॉर एन द रोड नोट लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड में से आपसे क्वेश्चन भी अगेन आपका आ, पांच नंबर का ऐसे टाइप है एंड ये मोमेंट्स बुक में से है और पहले चैप्टर में से पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वॉट वर द थिंग्स दैट द चाइल्ड वॉन्टेड इन द फेयर वाई डिड इट लूज इंटरेस्ट इन दो थिंग्स लेटर बहुत ही आसान आ, इसका आंसर है और कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो बच्चा चाहता था मेले में खरीदना और बाद में उन चीजों में से उसका इंटरेस्ट क्यों खत्म हो गया सेकेंड क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रशांत ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द चैप्टर वेदरिंग द स्टोम इन अरसामा तो प्रशांत के बारे में आपने बताना है कि उसने क्या रोल प्ले किया वेदरिंग द स्टोम इन अरसामा वाले चैप्टर में जो है वो आया था उड़ीसा में तूफान आया था उसमें लोगों के साथ जो भी कुछ मिसहैपनिंग हुई थी उससे उसको बचाने के लिए प्रशांत का क्या रोल था उसका कैरेक्टर क्या है थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था आपका ये भी आपके मोमेंट्स के बुक में से पांच क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए पांच में से आपको किन्हीं तीन क्वेश्चन के आंसर्स लिखकर आने थे और ये सभी सबी के सभी आपके तीन दो दो नंबर के हैं दैट इज छह नंबर का आपका ये आंसर रहेगा एंड बेटा सभी के सभी चैप्टर्स के नाम मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन किए हैं तो विद एंड ऑफ दिस वेरी शॉर्ट बट वेरी 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 यूजफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू और न सिर्फ आपके लिए बल्कि नेक्स्ट ईयर जो बच्चे नाइन्थ क्लास का एग्जाम देंगे उनके लिए भी ये जो सॉल्यूशंस हैं ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे तो एक बार फिर से मैं आपको कंप्लीट जो मेरी जो आंसर की है जो मैंने प्रिपेयर की है वो एक बार मेंशन कर देती हूँ शो कर देती हूँ देखिए आंसर की एनुअल एग्जामिनेशन 2020 ट्वेंटी क्लास नाइन्थ इंग्लिश सेक्शन ए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो अपने आंसर्स यदि आपको ध्यान हो कि आप क्या क्या सॉल्यूशन करके आए हो उसके साथ बैठकर कर टेली कर सकते हो एंड बेटा आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आपको जो है कैसे लगते हैं मेरी वीडियोस और किस तरह से आपको ये आंसर की जो है ये कितनी बेनिफिशियल रही ओके डू टेल मी और इससे रिलेटेड और भी अगर वीडियोज़ आप चाहते हो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड बेटा तो आप मुझे जरूर बताना बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैम मैथ्स के लिए बताइए साइंस के लिए बताइए तो बेटा ये तो जो है मैथ्स और साइंस का चैनल नहीं है ये मेरा डी इंग्लिश का चैनल है तो आप इंग्लिश से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ बोलेंगे मैं आपके लिए जरूर प्रोवाइड करूंगी थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच